एक तो कमलनाथ कांग्रेस नहीं है जी, और कमलनाथ की स्थिति इस समय कांग्रेस में क्या है ये भी हिमांशु द्विवेदी जैसे पत्रकार को पता है जी। सामना का एडिटोरियल बैठक के पहले लिखा गया वो कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि कांग्रेस के बारे में उनका कहा कि कांग्रेस अकेले खाना चाहता है, कांग्रेस अकेले नहीं खाना चाहता है जी। गठबंधन का कोई भी दल अकेले नहीं खा सकता जी। कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ा घटक है जी। और कांग्रेस को पता है कि जो मुकाबला है वो आप ही ने कहा है कि आपका जो शब्द है वो ये कि जो मुकाबला है इंडिया गठबंधन का वो मोदी के विशालकाय व्यक्तित्व से है जी। आपने ये नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है जी, मैं कायम हूं अपनी बात पर। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपनी बात पर कायम है, मैं भी इसीलिए उसी को दोहरा रहा हूँ जी कि आपने ये मुकाबला एक व्यक्ति और एक विपक्षी गठबंधन के बीच में है जी, दो गठबंधनों के बीच में नहीं है जी। मतलब इसमें एनडीए कहीं शामिल नहीं है, मतलब इस पूरे प्रकरण में जी। आपने ये कहा कि इंडिया गठबंधन में कई दल ऐसे हैं जिनके पास कोई कम सदस्य हैं, एनडीए गठबंधन की अगर आप लिस्ट निकालें आपको एक भी बड़ा दल नहीं मिलेगा जी, उसमें एक भी जी, और कई दल ऐसे मिलेंगे जिनका कोई मेंबर ही नहीं, उनके पास कोई सांसद ही नहीं है जी। तो हम यहाँ तुलना करने नहीं बैठे हैं यहाँ इंडिया गठबंधन और मोदी जी की, हम ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी इस समय बहुत ताकतवर हैं और वो तलवार लेकर या राजदंड लेकर घोड़े पर सवार है और वो विपक्ष का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि 145 सांसदों को निलंबित किया जाए जी। और संसद को उनका काम हो गया, जो क्रिमिनल लॉस थे वो पारित हो गए, अब उसके बाद संसद का काम बचा नहीं, तो उन्होंने संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी कर दिया। हिमांशु जी, चर्चा का विषय यह होना चाहिए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए जी, आप ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन तो समाप्त हो जाएगा मोदी जी के बाएं पैर के नीचे, दोनों पैर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। आप तो ये बताइए या डिस्कशन में ये लाइए कि विपक्ष के बिना देश में लोकतंत्र कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या इस कार्रवाई की जरूरत थी, क्या जो कार्रवाई की गई, या कोई रास्ता ऐसा भी हो सकता था कि जिससे बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता था, सरकार कॉन्फ्रंटेशन करके क्या सिद्ध करना चाहती है जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मान लीजिए सहमत हूं कि इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल समाप्त हो गया है जी। और सहयोगी दल नाराज हैं और ये भी मान लीजिए कि उनका सफाया हो जाएगा इस चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीत जाए, अब बताइए आगे देश किस दिशा में जाएगा। और समझ आप तो मुझे आप तो मुझे लग रहा है कि मुझे सुलझाने की जगह खुद ही उलझ जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। आपने कहा था कि किरण की बात कर रहा हूं, मुझे तो उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है, तो मैं तो तब से इंतजार कर रहा हूं कि श्रवण जी मुझे उजाला दिखाएगा, आप तो भयावह अंधेरा दिखाने लगे, क्या हो गया आपको, आप तो उजाला दिखाने वाले थे श्रवण जी हमको। मैं उजाला ये दिखा रहा हूँ हिमांशु जी जी कि इंडिया गठबंधन की मजबूती है ये जी, इंडिया गठबंधन की ताकत है ये कि आज इस तरह की स्थिति देश में पैदा हुई है। इंडिया गठबंधन जो है वो अगर आप देखें 3 राज्यों में हार इंडिया गठबंधन नहीं है जी, वो तो होना थी, वो कोई वो पूरा मामला अलग है जी। इंडिया गठबंधन यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीती है,
कर्नाटक में जीती है, हिमाचल में जीती है जी, और देश के अधिकांश राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, बड़े बड़े राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं जी, और वो तमाम जो दल हैं वो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, घटक हैं जी। आप ये तो बताइए कि ये तमाम दल जो हैं ये क्या समाप्त हो गए देश में? ये क्या समाप्त हो गए? श्रवण जी मुझे लगातार बता रहे हैं भाई देश किस दिशा में जा रहा है।